रिलेशन बनाने में जो है आपको प्रॉब्लम हो रहा था जी, शारीरिक संबंध इस सब में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जी, दोनों पैर सर इसका जो है ना सटा रहता है। इनका पति जो है अच्छा खासा दोनों में जो है मेल मिलाप था, दोनों अच्छा तरीका से रह रहे थे, अपना पति पत्नी के तरह जिस तरीका से होता है। के देखा था उसका गार्जियन भी साल भर दो साल से यहीं पर आता था, काम उम सब करता था वो। अच्छा, उसके बाद अपना पसंद से किया था। छोड़ दिया, कुछ तो वजह होगा, कुछ कारण होगा ना, आपको बताया होगा ना कि दूसरा शादी करने का क्या कारण, तो कुछ होगा। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं सुपौल जिला के बोढ़ा पंचायत वार्ड नंबर 8 कमलदहा में मौजूद हूं और हमारे साथ वही प्रतिभा देवी है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि वायरल क्यों हो रही है, वायरल इसलिए हो रही है कि ये दिव्यांग है और इसकी शादी जो है लगभग 2 साल पहले हुई थी और इसका पति इनको छोड़ दिया और उसके बाद से ये जब सोशल मीडिया पे अपने अपने पति के लिए जब गुहार लगाने लगे तो ये सोशल मीडिया पे देखते ही देखते वायरल होने लगी। आइए हम इन्हीं से जानते हैं इसकी कहानी, इन्हीं की जुबानी से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? प्रतिभा देवी जी। कहिया शादी भले रहे, कते दिन पहले? 2 साल भले। क्या नाम है पति का? मंजीत कुमार। जे छै से मतलब शादी के बाद ससुराल में रहलिए रहे जी। कते दिन? 2 महीना रहलिए। तब ओके बाद जे छै फिर एते चले ल मायके जी। मायके आवे के बाद फिर पति जे छै से किया छोड़ दलके? कते दिन से अलग रह लागल है तू सब? कब जो है शादी कर लिया आपका पति? 6 जून को। यही 6 जून को? अच्छा, 6 जून को इनका पति जो है दूसरी शादी कर लेता है, यानी कि 5-6 रोज हुआ है दोस्तों। और आप लोग को जो है बातचीत अभी भी हो रहा है पति से? क्यों छोड़ दिया? कुछ तो वजह होगा, कुछ कारण होगा ना, आपको बताया होगा ना कि दूसरा शादी करने का क्या कारण, तो कुछ होगा, कुछ तो बोला होगा आपको ना जरूर। तो पापा अच्छा मोटरसाइकिल मांग रहा था? अच्छा, ये नहीं ना बोला कि तुम विकलांग हो, दिव्यांग हो, इसीलिए तुमको नहीं रखेंगे? देखिए इनकी माँ भी है यहाँ पे, हम इनसे भी थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर मामला क्या हुआ, क्यों इनका पति जो है दूसरी शादी कर लिए। आपकी ही लड़की है ना? हाँ, मेरी बच्ची। अच्छा, क्या हुआ, मतलब शादी को तो 2 साल हो गया? हाँ, शादी का 2 साल हो गया। अभी बच्चा उच्चा नहीं हुआ? बच्चा नहीं हुआ, 6 महीना ठीक तरह से रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद वो जैसे तैसे करने लगा, बोला कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा। ये चाहिए, वो चाहिए, जगह जमीन चाहिए। हम अपने से आकर के देखा था, उसका गार्जियन भी साल भर 2 साल से यहीं पर आता था, काम उम सब करता था वो। अच्छा। उसके बाद अपना पसंद से किया शादी, बोला इसको कि पसंद है, तो बोला कि हाँ हमको पसंद है, तब किए हम। फिर भी जो है खुद से देखा, सारा चीज़ देख सुन के शादी किया, फिर भी इस तरह का जो है धोखा दे दिया? धोखा दे दिया, ये दूसरा शादी कर लिया 6 तारीख को। तो आप लोग क्या कुछ किए थाना ओना में? थाना में किए, आवेदन दिए थाना में, थाना बोला कि 2 दिन का बेल देते हैं। जब 112 पर फ़ोन किए तो आया, ले गया इसको उठा करके, तो बोला कि 2 दिन का बेल दे दीजिए, 2 दिन में गाँव घर का आदमी जो बोलेगा, परपंचायती होगा, उसमें जो निर्णय होगा वही होगा। तो निर्णय यही हुआ कि दूसरी जो लाई है ना कन्या, उसको बोला छोड़ने के लिए, तब तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। आजकल इस तरह का इंसान जो है इस धरती पर है जो कि खुद अपना से देख सुनकर शादी करता है, एक तरह से लव मैरिज ही कहिए इसको, अपना से खुद शादी से पहले इनके यहाँ बराबर आते जाते थे। अच्छा, आपके दामाद का घर भी बगल में ही है? हाँ, इटहरी में, मंदिर से अच्छी इधर ही पास में पड़ता है। इनका पति का जो घर है बस कुछ ही दूरी पर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और वो जो है इनसे शादी करता है देख सुन के,
इनके यहाँ पहले से आते जाते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चे लोगों को, से इनको छोड़ के वो दूसरा शादी कर लेता। अब सुपौल जिला के परसागढ़ी में जो खबर आप लोगों को दिखाए हैं कि इनसे ज़्यादा जो है विकलांग है हिना देवी, वो दोनों हाथ के सहारे चलती है, फिर भी उसका पति जो है दो तीन महीना तो वो छोड़ के बाहर चले गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे उसका वीडियो वायरल होने लगा उसका पति फिर उसके घर आ गया। और कहीं ना कहीं घर इसलिए आया क्योंकि उन दोनों में जो है सच्चा प्यार था, एक पति पत्नी का प्यार था। देखिए यही प्रतिभा देवी का पति हैं, हस्बैंड हैं। अब आपको पूरी सच्चाई हम इन्हीं के जुबान से सुनाते हैं। क्या नाम हुआ? मंजीत कुमार। तो आपका शादी का कितना दिन हो गया? दो ढाई साल हो गया। हाँ, आप शादी से पहले आते जाते थे यहाँ पे? आए थे देखने के लिए, खुद से आए थे देखने। हाँ, यानी कि शादी से पहले जो है इनका सास, यानी इनका सास ससुर जो है इनको पहले से देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि इनका पढ़ाई लिखाई का भी देखभाल। सही में आपका सास ससुर पढ़ाए भी हैं आप? जी, देखिए खुद कबूल कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती तो इनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये है सच्चाई दोस्तों। और अब बताइए आप फिर क्यों दूसरा शादी कर लिए, दिक्कत क्या हुआ आखिर आपको? देखिए सो दोनों हम पति पत्नी के मामले में किए शादी दूसरा। पत्नी को बोल के किए? बोले थे। पत्नी तो नाराज है आपकी अभी? जी नाराज है। आपको बोले थे शादी से पहले? नहीं बोले थे। बोले थे करेंगे शादी बस। अच्छा क्यों करेंगे, जब आप एक शादी कर ही लिए थे पहले से और खुद से देख कर शादी किए थे, तो फिर क्या जरूरत पड़ गया दूसरी शादी करने का? संबंध बनाने में दिक्कत होता है। अच्छा कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जी? बच्चा उच्चा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी। तो कहीं डॉक्टर वगैरह को दिखाए इनको, बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था तो? दवाई दिए थे। मतलब देखिए यहाँ जो है दोस्तों, देखिए होता है कि अगर बहुत ऐसा महिला को शादी के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है, उनको बच्चा नहीं हो पाता है, तो दूसरी शादी उस स्थिति में कर लेता है हस्बैंड उसका। अच्छा ये बताइए डॉक्टर से दिखवाए थे आप? दिखवाए नहीं थे, दवाई दिए थे डॉक्टर को बोल करके। बताइए अपने से दवाई देने से तो होगा नहीं, अच्छे कोई जानकार डॉक्टर से दिखवाते। अगर चलिए ठीक है दो साल हुआ शादी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए आपको, इतनी जल्दी शादी करने का क्या ज़रूरत था? डॉक्टर से पूछे थे तो बोला कोई बात नहीं, वो उसको वहीं पर रहने दीजिए, आप आके दवाई ले लो हो जाएगा सही। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यानी आपका कहने का मतलब है कि जो रिलेशन बनाने में जो है आपको प्रॉब्लम हो रहा था जी, ये शारीरिक संबंध ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जी, दोनों पैर सर इसका जो है ना सटा रहता है। अच्छा ये मेन मैटर ये है शादी करने का जी। हालांकि देखिए दंपत्ति को, एक परिवार को, शादीशुदा जिंदगी जो होता है उसको, अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो है बच्चा बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस तरह से जो है कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ समस्याएं आ रही थी, जिसके कारण जो है हमें दूसरी शादी करना पड़ा। अच्छा अब ये बता, चलिए मान लेते हैं कि आपका बात कुछ सही है, आप सही कर रहे हैं, मान लेते हैं सही कर रहे हैं, शादी आप दूसरा कर लिए, अब इनको क्या करिएगा? रखेंगे। रखिएगा ना जी, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं दीजिएगा ना, मारपीट और नहीं ना करिएगा? कभी नहीं। इनको भी रखिएगा? इनका मम्मी पापा राजी नहीं है कि उसको रखेंगे, जो दूसरे शादी किए थे। हाँ, उसको इसका मम्मी पापा राजी नहीं है तो। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप भी जल्दी किए, जल्दबाजी किए, इतना जल्दबाजी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत तो 5-5 साल 10-10 साल तक जो है बच्चा नहीं होता है, फिर भी सब्र रखता है, डॉक्टर से इलाज करवाता है, बहुत जगह जा जा कर इलाज करवाता है। भाई का 25 वर्ष के बाद आप 2 साल हुआ दूसरा शादी कर लिए, बताइए कम से कम अपने सास ससुर से भी तो राय ले लेते, पूछ लेते, सलाह ले लेते। आप गलती किए हैं कि नहीं किए हैं ये बताइए, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किए हैं गलती। गलती किए हैं ना, आपको इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कुछ सोच समझ लेना चाहिए, कम से कम दो और 1-2 साल देख लेते, इलाज करवाते अच्छे डॉक्टर से, फिर नहीं होता तो चलिए
कोई बात नहीं है। फिर होता है लोग जब एक एक वाइफ से एक पत्नी से बच्चा नहीं होता है तो दूसरा करता है, तीसरा भी करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बहुत जल्दबाजी कर दिए। देखिए प्रतिभा का पिताजी भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम सच्चाई जान लेते हैं। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? त्रिरंजन कुमार मंडल। अच्छा 2 साल शादी को हो गया ये लोग का, इधर 5-6 रोज पहले दूसरा शादी कर लिया आपका दामाद। हाँ। आपको पहले से कुछ पता था कि दूसरा शादी करने वाला है? हाँ पता था, शादी का 6 महीना से पता चल गया कि यह लड़का दूसरे लड़की से फंसा हुआ। अच्छा। और 6 महीना के बाद उनके गार्जियन को दबाव देना शुरू कर दिया हम, और दबाव देते देते लेकिन कहा कि नहीं शादी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन 6 तारीख को जब मालूम हुआ सुबह में, 7 तारीख को सुबह में मालूम हुआ हमको, 6 तारीख का शादी रात में हुआ है, तो हमने गार्जियन को बोले कैसा क्या है हुआ, तो कहा कि बच्चा लोग है भास गया। देखिए जो भी समस्या है वो तो ये लोग बता ही दिया है। और देखिए आदमी एक दूसरे का जो है ना प्रॉब्लम देख कर समझ कर जो है खुद महसूस भी कर सकता है और हम लोग भी समझ सकते हैं, तो जो भी मैटर है हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी खुद अपना गलती मान रहा है। गलती मान रहा है लेकिन ये बात नहीं ना है, लड़की के साथ कभी रहबे नहीं किया है, कभी रहबे नहीं किया है, 1 दिन से 2 दिन रहबे नहीं किया है कभी, और सब उसी लड़की के पीछे उड़ते रहा, तो हम कैसे समझेंगे कि बच्चा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, हम कैसे समझ जाएंगे? जब पति पत्नी का जीवन एक साथ रहेगा तब ना हम बचाव का समस्या हो, उसका मम्मी सारी कहानी मम्मी करता तो है। आंतरिक चीज है और वो पति पत्नी ही समझ सकते हैं। अच्छा अब ये बोल रहा है कि दोनों को रखेंगे? नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, मेरी बच्चिया लेके रहेगी तो मेरी बच्चिया लेके रहे, या उसको लेके रहेगी तो उसी के लेके रहे। थोड़ा सा हमको ये बताइए आप, जो आपका पति बोल रहे हैं, जो जैसा अभी बता रहे हैं, क्या वो सही बात है? आप लोग को दिक्कत समस्या आ रहा है क्या? कोई तरह का ऐसा दिक्कत नहीं ना है कि मान लीजिए संतान उत्पत्ति में, बच्चा पैदा होने में इस तरह का कोई रुकावट आपके तरफ से है या नहीं है? सही बताइए, खुल के बताइए। नहीं है, नहीं है। देखिए अब क्या सच्चाई है वो तो ये दोनों ही समझ सकते हैं। और इसके बावजूद अगर हम जैसा कि पहले बताए, अगर अच्छे डॉक्टर से दिखवाया जाता तो सच्चाई तो सामने आ ही जाता। और अभी भी समय है, अभी भी हम इनसे कहेंगे, इनके भी पिताजी से माँ से कहेंगे कि इनको ले जाइए मेडिकल चेकअप करवाइए और सच्चाई को सामने लाइए। क्योंकि तो दोस्तों ये था सच्चाई और हमारा ये प्रयास, कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। और इन दोनों शादीशुदे जोड़े के बारे में और ये जो फिर से दूसरी शादी कर लिए हैं इनके बारे में आपका क्या राय विचार है अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आप देख रहे थे DNY न्यूज, इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।